हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एथिकल शर्मा जी। आज के वीडियो में देखेंगे ट्रेस रूट यूटिलिटी को। इसने मेरी बहुत हेल्प करी है पर्सनली, क्योंकि जब कभी इश्यूज आते थे नेटवर्क में, नेटवर्क क्यों नहीं, मैं रीच नहीं कर पा रहा किसी वेबसाइट को, या फायरवॉल ने ब्लॉक कर दिया है, तो कहाँ किस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो बताती है ट्रेस रूट यूटिलिटी। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये कह रहा है द लॉजिकल फॉलो अप टू द पिंग कमांड इज ट्रेस रूट। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा ना रास्ता बताता है कि एक रिक्वेस्ट जो ओरिजिनेट हुई है सोर्स से डेस्टिनेशन तक, ये उसने क्या पाथ को फॉलो करा है, क्या क्या डिवाइसेस हैं जिसको उसने रीच करा है, जो बीच में जो डिवाइसेस पड़े हैं उस तक डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, तो एक पूरा पाथ बताता है। ठीक है, तो ये बता रहा है, देखो इंटरनेट इज मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट सर्वर एंड एंड पॉइंट, ऑल नेटवर्क अप टू ईच अदर, या पढ़ सकते हैं पूरा। ठीक है, ये बता रहा है कि ट्रेस रूट क्या करता है, कि आपको देखने के लिए इनेबल करता है कि जो कनेक्शन हैं वो कहाँ कहाँ बने हैं। ठीक है, आप हर एक इंटरमीडिएट स्टेप देख सकते हो, अपना वही सोर्स और जो भी आपने रिक्वेस्ट करा है रिसोर्स, ठीक है, या जो डेस्टिनेशन है। तो इसने ट्रेस रूट google.com का एक बताया हुआ है, तो चलिए इस कमांड को मैं अपने इस पे काली लिनक्स पे दिखा देता हूँ। ट्रेस रूट google.com, ये देखो इसने 8 हॉप्स लिए हैं। अब इनको हॉप्स बोलते हैं, जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो उसको हॉप्स बोलते हैं। इसका सिंटेक्स कमांड का बहुत सिंपल है, ट्रेस रूट लिखते हैं हम उस यूटिलिटी को रन करने के लिए, स्पेस जो हमारी वेबसाइट है, जैसे google.com अगर हमें करना है, bing.com करना है, microsoft.com, आप कुछ भी मतलब कर सकते हो। आपका अगर इंटरनेट होगा तो आपके इंटरनेट का कोई DNS होगा, FQDNS होगा, विच इज़ डोमेन नेम, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम सिस्टम। आपका IP आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ट्रेस रूट का मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखो फर्स्ट इसने गया मेरी IP, जो मेरा जो राउटर की IP है वहाँ से, फिर दूसरे उसने कोई एक एंड पॉइंट लिया 103 पे, फिर 72 रेंज पे गया, फिर बीच में उसको नहीं मिला रिस्पांस, फिर 72 पर गया, फिर 142, और फिर गया ये जो दिल्ली वाला का जो सर्वर होगा गूगल का, ठीक है, क्योंकि डेल लिखा है यहाँ पे, आई थिंक कि दिल्ली का ही होगा वो, तो ये इसने बताया। फिर वो वहाँ पे google.com कर गया रीच। तो ये इसने पूरा बता दिया कि कहाँ कहाँ बीच में IPs आई। तो अगर आपको किसी का नेटवर्क का मैप बनाना है, एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बहुत काम की यूटिलिटी है, या फिर अगर आप किसी नेटवर्क में जाके उसको एन्यूमरेट करना चाहते हो कि कौन कौन से डिवाइसेज हैं जो आपके डिवाइस के पास में हैं, अगर आपको उसकी एक्सेस है तो उस सिस्टम की पर्टिकुलर इंटरनेट में, तो आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, तो इसने बताया, देखो इसमें 13 हॉप्स लिए थे। ये देखो LHRA लंदन हीथरो होगा जहाँ तक मेरा अंदाजा है, तो बट ठीक है। तो अब इसका मैन पेज देखते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ। मैन ट्रेस रूट, ओह काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखो नेम क्या है, प्रिंट द रूट पैकेट्स ट्रेस टू नेटवर्क होस्ट, ठीक है ठीक है। अगर ट्रेस रूट 6 करोगे तो ट्रेस रूट -6 होगा, ट्रेस रूट इज इक्वलेंट टू -t, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये ऑप्शंस इसके बहुत मेन है। -i ICMP के लिए TCP यूज़ करना है, -t डीबग के लिए ये, डोंट फ्रैगमेंट, अगर आपको पैकेट्स को फ्रैगमेंट नहीं करना है तो -f, गेटवे करना है तो -g, इंटरफेस चूज़ करना है तो -i, बहुत सारे हैं। देखो पोर्ट चूज़ करना है, TOS, लो लेबल, बहुत सारी चीज़ें। ओके, यूज ट्रेस रूट ऑन tryhackme.com, अच्छा ये करके देखते हैं, चलिए Ctrl+Shift+T, ट्रेस रूट ऑन tryhackme.com, 13 हॉप्स लिए हैं देखो इसने, ठीक है। तो हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। What switch would you use to specify an interface when using trace route? क्या switch आप use करोगे अगर आपको interface करना है, तो -i हमने देखा था, submit. What switch would you use if you want to use TCP? -t हमने देखा था main page में. Okay. Which layer of the TCP/IP model will trace route run on by default? विंडोज़, अच्छा विंडोज़ में कौन सा TCP/IP के लिए यूज़ करेगा, तो TCP/IP के लिए इंटरनेट करेगा, क्योंकि इंटरनेट लेयर पे ही ये वर्क करता है। यस करेक्ट।
तो हमने देखा आज के वीडियो में ट्रेस रूट यूटिलिटी को। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगले वीडियो में हम देखेंगे हु इज कमांड को। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग। बाय बाय।